यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया था, तू हट ना इधर से। डेटा हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया था, राइट? लेकिन ये डिस्प्ले मैंने कैसे कराया था यहाँ पे? क्या मैं बटन क्लिक कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, आ गया कंसोल। यहाँ पे देखिए पूरा HTML कंटेंट आ रहा है यहाँ पे, राइट? तो डेटा हमने HTML के फॉर्म में दिखाया था। मैंने आपको क्या कहा था, डेटा दो तरीके से हम दिखाएंगे, एक तो HTML से, दूसरा JSON के फॉर्म में। तो HTML से मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है? अब JSON के फॉर्म में कैसे दिखाया जाएगा? तो HTML में मैं दो चीज़ें और आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आप इस HTML टेक्निक से डेटा AJAX के थ्रू दिखा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि इस डिलीट पे क्लिक करने पे और एडिट पे क्लिक करने पे कुछ इवेंट फायर करना पड़ेगा, मतलब कुछ मेथड कॉल करना पड़ेगा ताकि डिलीट करने से डिलीट हो जाए और एडिट पे क्लिक करने से एडिट हो जाए। कैसे होगा? HTML के टेक्निक से मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन LIC के ऑन क्लिक इक्वल टू ए कर देंगे आप, और फिर क्या करेंगे, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट यहाँ पे ये करेंगे, ठीक? यहाँ पे मैं दिस पास कर रहा हूँ अभी, ठीक? आप चाहें तो स्टूडेंट ID भी पास कर सकते थे, ठीक? डबल कोट सिंगल कोट में कॉन्केटिनेट करके इस तरह से, ठीक? नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से पास कर सकते थे। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते थे, ठीक है? और यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट, पहला वाला डिलीट बटन है क्या? पता नहीं है कौन सा बटन है, ट्रैश डिलीट बटन है पहला वाला, ठीक है? यहाँ पे करेंगे ऑन CLI C के ऑन क्लिक इक्वल टू एडिट स्टूडेंट, ठीक? ये मेथड कॉल किया, यहाँ पे पास कर दिया दिस, ठीक? ये मैंने कर दिया, ठीक? अब डिलीट स्टूडेंट और एडिट स्टूडेंट, इन दोनों फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा index.html पेज पे, ठीक? तो मैं आखिरी में यहाँ पे आता हूँ, ठीक है? फंक्शन कॉल करा, फंक्शन में एडिट स्टूडेंट डेटा ले लिया और यहाँ पे आया ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, डिलीट स्टूडेंट, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक कर दूंगा यहाँ पे डेटा, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, आऊँगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आया, लोडिंग, ये देखिए आ गया। अब इस पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या हो गया, मैंने क्या पास करा था, दिस दिस मतलब ये पूरा बटन, ठीक? तो दिस में पूरा बटन आ गया, ये देखिए पूरा डिलीट वाला बटन आ गया, और इस पे मैंने क्लिक करा तो पूरा एडिट वाला बटन आ गया। तो अब एडिट के ID एट्रीब्यूट में डेटा है, ठीक? इस पे क्लिक करा तो इसका देखिए तीसरा ID है, तो तीसरा आ गया यहाँ पे, ठीक है? तो इसी तरह से ID ले लोगे, ID कहते हैं आप लेंगे एट्रीब्यूट मेथड से यार, जैसे $data.a_tree, ठीक? एट्रीब्यूट क्या डाल दिया मैं, ID, ठीक है? ऐसे इस तरह से आप काम कर लेंगे, ठीक है? इस पे क्लिक करा मैंने, एट्री इज नॉट डिफाइंड, क्या बोल रहा है, डॉट एट्रीब्यूट मेथड डिफाइन नहीं है क्या इसमें, ये कैसे हो सकता है? एट्रीब्यूट सेलेक्टर तुरंत आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे क्या चाहिए, AWTR मेथड है, क्या करें?
हमारा थोड़ा याददाश्त कमजोर है, ठीक है। यहाँ पे आया मैं, क्लिक करा इस पे, ये देखिए वन आ गया, यहाँ पे भी वन आ गया। इस पे क्लिक करा एडिट वाले पे तो तीन आ गया, यहाँ पे बटन आ गया, ठीक है। डिलीट वाले पे करूँगा तो कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे आपका आईडी आ गया। अब इस आईडी के बेसिस पे आप किसी भी तरह का बिजनेस लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। किसी भी तरह का बिजनेस लॉजिक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सा बिजनेस लॉजिक लिखा जाएगा मैं आपको बता दूंगा, कौन सा बिजनेस लॉजिक लिखा जाएगा। इसलिए इन सब मेथड को मैं यहाँ से खाली कर देता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। कमेंट कर दिया या फिर रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप इस HTML टेक्निक से अगर डेटा गेट करते हैं, डेटा लाते हैं एजेक्स में, तब हमें यहाँ पे ही मेथड कॉल कर देना पड़ेगा और फिर यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट और एडिट स्टूडेंट में बिजनेस लॉजिक लिख दिया जाएगा। जैसे डिलीट स्टूडेंट है तो एजेक्स कॉल करेंगे सर्वर पे और डेटा डिलीट करेंगे, एडिट के लिए एडिट का लॉजिक लिखेंगे, राइट। लेकिन मुझे ये टेक्निक पसंद नहीं है, तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं जेसन फॉर्म में पास कर दूंगा। किसको, क्लाइंट को, मैंने ब्राउजर को। तो मैं जो HTML के साथ कॉन्केटिनेट किया हूँ, ये सिर्फ ये मैं नहीं करूँगा, इसके जगह पे मैं क्या करूँगा, तो इसके जगह पे मैं जेसन पे डेटा सेंड करूँगा, ठीक है। तो चलिए, इस वेरिएबल का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये सारे को क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, रखता हूँ नोटपैड में, पेस्ट कर दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। ऐसे ये सारा डबल कोट सिंगल कोट ये सब कुछ मैं हटा दूंगा, ठीक है। ये पहले जैसा ही मैं इसको कर दूंगा, जैसा पहले था, ये HTML नेम कर दिया। मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग को पाउज करके इसको डिलीट करके फिर से ऑन कर दूंगा रिकॉर्डिंग, राइट। पाउज करता हूँ, मैंने क्या करा, इस तरह से पूरा HTML मैंने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, राइट, इन सभी को मैं करूँगा ऐसे डिलीट, सब ही को डिलीट करूँगा, कोई काम के नहीं है सब मेरे, ठीक है। ये HTML टेक्निक मुझे पसंद नहीं है जी, मैं हटा दूंगा इनको, ठीक है। सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस का भी मुझे नहीं, मल्टीपल लाइन हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे है प्रिंट HTML, ठीक। अब क्या करने वाले हूँ मैं, कि हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो स्टूडेंट्स है ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक। एरे लिस्ट, मैंने लिस्ट लिया है स्टूडेंट टाइप का, स्टूडेंट बीन टाइप का लिया है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस जेसन को हम क्या करेंगे, उस जेसन को मैं सेंड कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा वो जेसन, और यहाँ पे जब जेसन स्ट्रिंग आएगा तो यहाँ पे हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में। तो क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है ये है जावा के भाषा में, ठीक, जावा के स्टाइल में ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में, जेसन स्ट्रिंग में, ठीक। तो फिर सेंड कर देंगे यहाँ डेटा, और फिर यहाँ आएगा तो जेसन स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पे जेसन स्ट्रिंग जो आएगा इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जावा के ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ था, नहीं, जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, यहाँ था जावा का ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेंगे जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, राइट। तो ऐसे ही काम हम करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, हमें एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है सिंपल जेसन या जीसोन डॉट जार। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है ताकि आपका समय बचे। तो ये जीसन है 2.7, आप गूगल पे जा सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे जीसोन 2.0, ठीक है, जार डाउनलोड, तो ये आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे खुल जाएंगे साइड, जा
आर लिख के मारेंगे एंटर, तो ठीक है, तो देखिए आ गई है सब। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना जी। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से करूँगा कट। और आप जानते हैं कि हमें लिब फोल्डर में पेस्ट करना होता है, हमारा प्रोजेक्ट ये वाला है। खुला टाइम दे रहा है, मेन वेब ऐप मेटा, ये लिब है, इसके अंदर माई एस क्यूएल का कनेक्टर था। अब मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ कौन सा, json.jar। ठीक, तो अब क्या करना पड़ेगा, json हटना है, कहाँ से आ जाता है, शिफ्ट कर दिया सर्वर वाला विंडो। अच्छा, यहाँ पे देख लेंगे सर्वर वाली विंडो को बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लूँगा, json। ठीक, ये देखिए google.com, गूगल का ही json है, json। तो json कर लूँगा, ये ऑब्जेक्ट बना लूँगा ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, json.toJSON मेथड है इसमें। ठीक, तो ये क्या मांग रहा है, टू जेसन मेथड, ये मांग रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दे दो। तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जेसन स्ट्रिंग। क्यों, हम सीधा ऑब्जेक्ट को नहीं सेंड कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए हम जेसन में ले लेंगे। ठीक है, तो टू जेसन मेथड कॉल कर दूंगा, ये वाला ऑब्जेक्ट में आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, JSON, ये है हमारा JSON स्ट्रिंग। हम इसी को क्या करेंगे, इसमें भेज देंगे। अब देखिएगा, इसको मैं भेजूंगा तो क्या होगा, कंसोल पे देखिएगा आप, कंसोल पे भी दिखाई देगा, HTML में भी। ठीक है, ये देखिए, अब इस तरह से हमारे पास JSON आ गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेटा है। ठीक है, तो इसी जेसन को हम क्या करेंगे, इसी जेसन को जो है हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट के लूप चला के हम कर लेंगे। ठीक है, अब ये मैंने तीन लाइन में यहाँ पे लिखा है, इसको शॉर्ट हैंड में कैसे आप लिखेंगे, शॉर्टकट, शॉर्टकट लिखना है तो क्या आप करेंगे, सिंपल सी बात है, शॉर्टकट लिखने के लिए ये तो लॉन्ग कट में लिखा मैंने। ठीक है, सीधा यहाँ पे करके न्यू json डॉट टू json ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डाल दिया मैंने। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आएंगे इधर और कर देंगे ऐसे। ठीक है, इस टेक्निक का भी इस्तेमाल करके हम काम कर सकते हैं, मुझे ये एक लाइन वाला ज़्यादा पसंद है, तो मैं यही टेक्निक, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट में। ठीक है, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आउटपुट देखिए आ गया। ठीक, लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्टेटस कोड भी हम सेंड करेंगे। ठीक, स्टेटस कोड हम क्या सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस, स्टेटस में सेंड कर देंगे 200। तो 200 स्टेटस का मतलब डेटा सक्सेसफुली हम दे दिए। ठीक, तो जब 200 स्टेटस सर्वर देता है तो ये सक्सेस फंक्शन कॉल हो जाता है। लेकिन एरर फंक्शन कब कॉल होता है, जब एरर फंक्शन को यहां से मैं कॉपी किया। ठीक है, और क्या करूंगा, यहां पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये इसको थोड़ी देर के लिए मैं गायब कर देता हूँ। ठीक है, तो 200 रिटर्न करा मैंने स्टेटस, मतलब सक्सेसफुली सर्वर जो है डेटा रिटर्न कर दिया, तब चलेगा ये वाला। ठीक है, और जब मैं एरर का कुछ कोड रिटर्न करूँगा तो यहाँ पे एरर वाला फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, तो
मैंने स्टेटस 2G200 सेट कर दिया। आता हूँ मैं इधर, जैसे मान लीजिए डेटा नहीं मिला, एरर देना है तो कैसे करेंगे, फेल्ड आप मैसेज करते थे, ठीक है, कंसोल मैसेज में लिख देते थे फेल्ड हो गया। तो फेल्ड हो गया, ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि फेल्ड हो गया, ब्राउजर तो समझ रहा है कि सक्सेसफुली रिटर्न हो गया आपके पास रिस्पॉन्स, तो ब्राउजर को बताना है कि एरर है, तो हमें स्टेटस कोड देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर नेटवर्क में आऊँगा मैं, ठीक है, नेटवर्क तो बताता है रिस्पॉन्स कोड, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ये देखिए बता रहे स्टेटस को पूरा, ठीक है, ये स्टूडेंट ने रिटर्न किया 200, ठीक। आप देखिएगा मैं क्या करता हूं, यहां पे 404 नॉट फाउंड का स्टेटस कोड देता हूं, ठीक है, ये है एरर का। तो अब देखिएगा एरर फंक्शन जो है चल जाएगा 200 ही दे दिया है, 200 क्यों दे दिया, देना नहीं चाहिए इसको 200। मैं बंद कर देता हूँ सर्वर और सर्वर को ला के फिट कर देता हूँ यहाँ पे और फिर इसको मैं करता हूँ चालू। तो जब हम रिटर्न करेंगे 404 या कोई एरर कोड तो फिर ए वाला मेथड कॉल हो जाएगा और रिटर्न करेंगे सक्सेस 200 स्टेटस कोड तो ये वाला चल जाएगा। HTTP एरर कोड के बारे में आपको और भी जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। स्टूडेंट अभी पेंडिंग बता रहा है, देखिए यहाँ पे क्यों भाई 200 क्यों रिटर्न कर दिए तुम, हमने तुम्हें कहा कि 400 रिटर्न करो, तुम्हें समझ में नहीं आवत, कोई बात नहीं हम क्लीन कर देंगे, ठीक है, क्लीन कर देंगे ऐसे। क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं हम इसके एक्सेप्शन से डरते नहीं हैं, देख लेंगे इसके एक्सेप्शन को, ठीक है, सर्वर चालू। ये देखिए क्लीन किया, आ गया स्टेटस कोड 404 एरर। अब ब्राउजर ये देखिए यहां पे भी बोल दिया एरर, ठीक है, एरर बोल दिया। अब इस एरर को मैं एक्सपेंड करूंगा, ठीक है, तो इतना सारा चीजें आ गया। अब रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट देखिए, रेस्पॉन्स डॉट जो है ये टेक्स्ट जो है इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, और क्या करूंगा यहाँ पे आऊंगा और डॉट ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है, ये देखिए पूरा डेटा आ गया, ठीक है। लेकिन एक और आइडिया मेरे मन में आया, चलिए बाद में बताऊंगा क्या आइडिया आया। यहाँ हम सेट कर सकते हैं कंटेंट टाइप भी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे इस तरह से अगर हम डेटा सेंड करते हैं तो अभी टेक्स्ट के फॉर्म में आया है, ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पे पार्स करना पड़ेगा हमको, ठीक, तब ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि यहां से सीधा जेसन में ही भेजा जाए, तो क्या करना चाहिए, स्टेटस को मैं 200 कर देता हूं क्योंकि सर्वर हमें सक्सेसफुली दे दिया रिस्पांस, ठीक, तो यहां पे 200 ही कर दूंगा मैं ताकि क्या हो, ये वाला सक्सेस फंक्शन कॉल हो, ठीक है, तो 200 दे दिया। अब यहाँ पे डेटा रिटर्न करेगा, लेकिन ये डेटा मैं क्या चाहता हूँ जेसन टाइप में रिटर्न करे, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ठीक, फिर यहाँ टेक्स्ट, नहीं यार मैं भूल रहा हूँ, टेक्स्टलेस जेसन तो नहीं होना चाहिए, जेसन एप्लीकेशनलेस जेसन होना चाहिए, ये AWP एप्लीकेशन, देखता हूं मैं क्या है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लेस जैसा नहीं है, देखिए तो कंटेंट टाइप हमें सेट करना पड़ेगा क्या, एप्लीकेशन स्लेस जैसा, अगर एप्लीकेशन स्लेस जैसा मैंने सेट कर दिया तो क्या होगा,
हमारा जेसन में ही सीधा रिस्पॉन्स चला जाएगा, हमको जावा स्क्रिप्ट में पार्स करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे जावा स्क्रिप्ट में पार्स करने के लिए कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं यूज होता, सिर्फ एक तो फंक्शन होता है। ये देखिए अब ये जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है। अब हम लूप चला के इसको लूप चला के कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जेसन आ रहा होता, नहीं मतलब जेसन स्ट्रिंग आ रहा होता, तो क्या करते हैं जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स में डाल देते इसको, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देता जेसन, ठीक है, यहाँ पे जेसन के ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर देते। तो पार्स मेथड जो है जेसन का, जेसन ऑब्जेक्ट में रिटर्न करते हैं। लेकिन मैंने क्या करा कि यहाँ पे कंटेंट टाइप में ही सेट कर दिया कि जो मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ वो एप्लीकेशन के लिए जेसन में दे रहा हूँ, तो इसीलिए हमें जावा स्क्रिप्ट में अब पार्स करने का जरूरत नहीं है, अब सीधा जो है हमारा डेटा आ जाएगा, ठीक। तो आप चाहे तो यहाँ, आप चाहे तो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए जेसन लिख दें, अगर यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए जेसन नहीं लिखना चाहते आप तो आप क्या करिए, यहाँ पे ये वाला लाइन लिख दें। भाई साहब लाइट कट गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फाइनली कठिन तपस्या के बाद लाइट आ ही गया, हम भी बैठे थे सोच करके इस इलेक्ट्रिसिटी के सामने तो मैं झुकूंगा नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी को झुकना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि ये लाइन यहाँ पे लिखते हम और जेसन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, जेसन मैं कंसोल डॉट लॉग करता, ठीक है। तो क्या होता, यहाँ पे सेम आउटपुट आता ऐसा ही अगर अगर मैं ए लाइन एप्लीकेशन स्लैश जेसन वाला नहीं लिखता तो, ठीक। अगर ए लाइन में नहीं लिखता तो क्या करना पड़ता मुझे, ए वाला लाइन लिखना पड़ता और डेटा इसमें से निकालना पड़ता मुझे। लेकिन मैंने क्या करा है, ए वाला लाइन लिखा है तो सीधा सर्वर से मेरे पास जेसन में ही डेटा जाएगा, तो मुझे ए लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, इसमें जेसन डेटा ही आ रहा है, राइट। अब मुझे एक एक डेटा प्रिंट कराना होगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा बात है, फॉर इच लूप कहाँ गया है, फॉर ई ए सी एच फॉर इच सेमी कॉलन FUCTION, मैं पुराना वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें करेंगे डेटा, इसमें कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, डेटा लिख देंगे, इधर हो जाएगा अपना काम, ठीक है। डेटा लिखा और मारा रिफ्रेश, ठीक है, एक एक डेटा देखिए आ गया। अब इसमें से नेम या मोबाइल नंबर किसी को लेना है तो क्या करना, करने का इधर नेम लिखने का, तो नेम आ जाएगा, जो जो लिख दूंगा वो आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से पूरा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कि मैं डेटा यहीं पे HTML प्रिपेयर करूंगा। कौन सा HTML, यही वाला HTML, कंट्रोल सी करा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, लेट HTML इक्वल टू, मैं क्या करूंगा यहाँ पे बैकटिक का साइन दूंगा, एंटर मारूंगा ऐसे और कर दूंगा एंड। ये तो बहुत सारा डेटा हो गया भाई, कंट्रोल माइनस दबाता हूँ, कंट्रोल माइनस दबाता हूँ एक बार, फॉन्ट छोटा हो गया, ऊपर आऊंगा मैं तो ई स्क्रिप्ट जो है फोल्ड हो गया, तो मैं इतना छोटा किया पहले, ठीक है। फिर आया यहाँ पे, इतने सारे इधर हैं डेटा, ठीक है, यहाँ पे फॉर इच मैंने चलाया, तो मैं इतना ही छोटा करके लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा विजुअल हो। ऐसे आप अपने वीडियो का रेजुलेशन बढ़ाओगे तो दिखाई दे देगा डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये किया, यहाँ पे दे दिया मैंने सेमी कॉलन, राइट। सेमी कॉलन यहाँ पे देने के बाद मैंने क्या करा, अब मैं क्या करूँगा, आप तो जानते ही हैं कि मैं यहाँ पे आऊँगा और टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करूँगा, नेम ऐसे लिखूँगा जी मैं। फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, नेम का जगह पे एम ओ
करूंगा, फिर यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसे करूंगा, फिर क्या करूँगा, मोबाइल के ऊपर ईमेल कर दूंगा, ठीक है। आईडी में क्या करूंगा, ऐसे करूंगा, आईडी कर दूंगा, यहाँ पे भी आऊंगा, ऐसे करूंगा और यहाँ पे आईडी कर दूंगा, ऐसे, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, डॉलर डॉट सो हाइफन डेटा डॉट apendi, अपेंड कर दूंगा। पता नहीं अपेंड फंक्शन है या नहीं है, मेरे को नहीं पता है, होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। वाओ, अनडिफाइंड आ गया मोबाइल का, MOBI लिखना पड़ता है ना इसे, ये देखिए। तो अपेंड करा तो सारा डेटा तो आ गया, अब एकरा में हम क्लिक करेंगे तो डेटा अभी कुछ नहीं होगा, इसमें इवेंट कैसे परफॉर्म करना है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये लोडिंग आ रहा है, कहा है कि हमने डेटा अपेंड करा है, पुराना डेटा को खत्म नहीं किया है हमने, तो पुराना डेटा को हमें एम्प्टी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आएंगे ऊपर और जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा सक्सेस का, इसको कर देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, कर देंगे इसको HTML में आके कर देंगे ब्लैंक, पहले ब्लैंक करेंगे फिर जो है डेटा दिखा देंगे, ठीक है। तो हमारा जेसन के फॉर्म में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको क्लिक करके हमको डेटा चाहिए तो कैसे करेंगे, मैं पहले तो वीडियो का ड्यूरेशन देखूंगा, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं कुछ क्लास वाला सेट कर दूँ क्या, क्लास यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेल स्टूडेंट हाइफन स्टूडेंट, इसी को मैं कॉपी करूँगा, तो फिर यहाँ पे भी आके एक ठो क्लास ऐड कर दूँगा बटन में, ऐसे डेल के जगह पे EDIT, इतना मैंने कर दिया, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए मैंने क्या कोड लिखा है, टोटल ये तो पुराना वाला कोड है, ठीक है। ये देखिए ये पूरा कोड है, इधर कर दूँ तो ऐसे, ठीक है। ये है Ajax का, यहीं से मैंने कॉल करा है। तो इस तरह से हम कॉल कर लेंगे। अब HTML हमने JavaScript से जनरेट करा है ये। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे चाहता तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ पे जैसे मैंने डुअल कोट में इसके सहायता से सीधा अपेंड कर दिया, हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि TR जो एलिमेंट है इसको हम JavaScript के सहायता से क्रिएट करते, ठीक है। अभी तो एज अ टेक्स्ट हम अपेंड करते जा रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में, लेकिन हम JavaScript के फॉर्म में क्रिएट करते। जैसे ये अगर क्रिएट होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये बटन एक ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम जावास्क्रिप्ट से क्रिएट करते और अपेंड कर देते जो है, ठीक है। लेकिन वो टेक्निक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है, यही टेक्निक इस्तेमाल करा, राइट। चलिए 28 हो चुका है, ठीक है। तो डिस्प्ले तो हमने करा दिया डेटा यहाँ पे जेसन के फॉर्म में, ठीक है। अब ओ क्या हो गया, ये तो पूरा हमारे हिसाब चौपट हो गया, कोई बात नहीं। क्या करना चाहिए अब हमें देख लेंगे अगले वीडियो में, अब ठीक है, टाइम भी हो चुका है, अगले वीडियो में इसको हम फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है, ओके।